हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों प्लीज़ पहली बार आए हो तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों कल जो है एसबीआई ने दोनों रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस का भी आया है और एसबीआई पीओ मेंस का भी आया है। ओके, तो एसबीआई क्लर्क में जितनी वैकेंसी उन लोगों ने बताई थी 5000 समथिंग, तो 5280 समथिंग कुछ उन लोगों ने एसबीआई क्लरिकल के लिए सिलेक्शन किए हैं। ओके, तो उसके बाद देखो कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पीडीएफ आई है। पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिला है। आपका स्कोर कार्ड कट ऑफ कुछ भी पता नहीं चला है। तो वो बारे में अगर हम बात करें कि एसबीआई क्लरिकल का स्कोर कार्ड और कट ऑफ कब आएगा, तो देयर इज चांसेस कि आपका नेक्स्ट वीक में 7 दिन के अंदर आपका स्कोर कार्ड और कट ऑफ दोनों भी देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो दूसरी बात, एसबीआई पीओ मेंस ने भी उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अभी इंटरव्यूज वगैरह सब कंडक्ट होना है, ग्रुप एक्सरसाइज रहता है, जीडी वगैरह। तो बेसिकली इन लोगों ने भी स्कोर कार्ड जो है वो रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद, लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि मतलब रिजल्ट के बाद, मेंस का रिजल्ट होने के बाद डायरेक्टली 1-2 महीने के बाद ही आपका स्कोर कार्ड और कट ऑफ देखने के लिए मिल गया था। तो इस टाइम भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट इंटरव्यूज आपके जो है वो कंडक्ट होंगे। इंटरव्यूज कंडक्ट होने के बाद आपका स्कोर कार्ड और कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर होगा। तो तब तक आपका रिजल्ट जो है एसबीआई पीओ का वो पता नहीं चलेगा कि आपको एग्जैक्टली कितने मार्क्स मिले हैं। बट एसबीआई क्लरिकल के बारे में अगर बात करें तो वो नेक्स्ट वीक 7 डेज के अंदर आपका जो स्कोर कार्ड है वो शायद देखने के लिए मिल जाएगा, नेक्स्ट थर्सडे के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।